अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, मैं शमीम अख्तर जे एम इन्फॉर्मेशन चैनल जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली से। दोस्तों उम्मीद कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं और एक अहम इन्फॉर्मेशन गुड न्यूज़ लेकर के आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया 2023-24 सेशन में इंटर्न टेस्ट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए अहम इन्फॉर्मेशन गुड न्यूज़ है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया 2023-24 इंटर्न टेस्ट एडमिट कार्ड आ चुका है दोस्तों कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से। लिंक जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर के अपना एडमिट कार्ड हॉल टिकट आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स का इसी मंथ के 25, 26 या 29 अप्रैल में एग्जामिनेशन है, इंटर्न टेस्ट है, तो ओनली उसी स्टूडेंट अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स का इस मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ में मई में जिनका इंटर्न टेस्ट है वो एक हफ्ता पहले आप अपना कंटिन्यू इसी लिंक में जाकर के आप चेक करते रहें और हम आप लोगों को बताएंगे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया 2023-24 सेशन एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे किया जाता है। हम वन बाई वन आपको लेकर के चलते हैं। सबसे पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ऑफिशियल वेबसाइट पर वो टाइप करते हैं JMICOE.in, इस पर जाएंगे। क्लिक करते ही इंटरफेस आपके सामने क्लिक करके आ गया। इस पर क्लिक करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया पर। ये इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ गया। इसी में सारा इन्फॉर्मेशन कंट्रोल एग्जामिनेशन की तरफ से आते रहता है दोस्तों। इस पर सबसे पहले हम नीचे जाएंगे एडमिशन, एडमिशन में जाकर के जहाँ से हमने एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराया था उसी लिंक में दोबारा जाना है और उसी में अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर चलेंगे दोस्तों, क्लिक हेयर टू अप्लाई UGPG, इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ गया। इसी में हम जाएंगे साइन इन पर और इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, क्लिक करते ही ये इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ गया। सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस आपको डालना पड़ेगा जिस वक्त आपने रजिस्ट्रेशन कराया था उस वक्त आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड, तो इसमें अपना जो भी ईमेल आईडी होगा वो आपको इसमें डालना पड़ेगा। उसके बाद पासवर्ड आपका जो होगा पासवर्ड इसमें पासवर्ड इसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा। इस पर सबमिट करने के बाद आपके सामने इंटरफेस इस तरह खुल करके आ, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते ही ये इंटरफेस इस तरह आपके सामने खुल करके आ गया। माय एप्लीकेशन एक कॉलम होता है और प्रीवियस फॉर्म उसके बाद एग्ज़ाम एडमिट कार्ड, तो इस पे आपको क्लिक करना है एग्ज़ाम एडमिट कार्ड। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने इंटरफेस इस तरह खुल करके आ जाएगा एडमिट कार्ड के लिए। तो सिंपल तरीका है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ऑफिशियल वेबसाइट पर www.jmicoe.in में जाकर के आप अपना लिंक में क्लिक करते ही अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते ही एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ ओनली उन स्टूडेंट्स के लिए अभी एडमिट कार्ड आया है जिनका इसी मंथ के आखिर में इंटरन टेस्ट है उन्हीं स्टूडेंट के लिए। और आमतौर पर इंटरन टेस्ट से एक हफ्ता पहले एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाता है कंट्रोल एग्जामिनेशन की तरफ से। तो दोस्तों ये बहुत अहम इन्फॉर्मेशन गुड न्यूज़ था उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट जामिया मिल्लिया इस्लामिया 2023-24 सेशन में इंटरन टेस्ट
के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भर चुके थे। तो दोस्तों इसी तरह हम आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लेकर के आएंगे। आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त फ्रेंड फैमिली के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके, हर चीज़ से आप अपडेट हो सके। तब तक के इजाज़त दीजिए।